फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन द सेलेक्शन प्रोसेस। सेलेक्शन प्रोसेस इज बेसिकली चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम दोज हु अप्लाई फॉर द जॉब। सी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस मीन्स कलेक्टिंग एज मैनी एज पॉसिबल अप्लीकेशंस फ्रॉम द पोटेंशियल कैंडिडेट। दैट मीन्स क्रिएटिंग ए पूल ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर आवर जॉब। बट सेलेक्शन मीन्स वी आर गोइंग टू सेलेक्ट और वी आर गोइंग टू चूज और वी आर गोइंग टू फाइनलाइज द कैंडिडेट फॉर आवर जॉब आउट ऑफ द पूल और आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लीकेशंस वी रिसीव्ड। सेलेक्शन प्रोसेस में वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज और कंडक्ट सम काइंड ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू वेयर वी आर गोइंग टू चेक द नॉलेज स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ द पोटेंशियल कैंडिडेट्स। और जिन जिन की हमको अप्लीकेशन रिसीव हुई है हम उनमें से सेलेक्ट करेंगे और फाइनलाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टेस्ट और इंटरव्यू। दिस इज सेलेक्शन प्रोसेस। सेलेक्शन प्रोसेस इज मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एज टू प्रेडिक्ट विच जॉब अप्लीकेंट विल बी सक्सेसफुल इफ हायर्ड। दैट मीन्स हम कोई टेस्ट इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे और कैंडिडेट्स की के एस ए दैट मीन्स नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज को हम चेक करेंगे इवेल्युएट करेंगे और उनके बेसिस पे हम लोग कैंडिडेट को फाइनल चूज करेंगे और वी कैन से सेलेक्ट करेंगे। दैट इज सेलेक्शन प्रोसेस। दीज आर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इनटू सेलेक्शन प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेप इज प्रीलिमिनरी इंटरव्यू दैट मीन्स ए पायलट इंटरव्यू। देन वी हैव द फिलिंग इन ब्लैंक अप्लीकेशन। देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट टेस्ट रेफरेंस चेक सेलेक्शन डिसीजन फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन जॉब ऑफर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड द फाइनली इवेल्युएशन प्रोसेस ऑफ ओवरऑल सेलेक्शन प्रोसेस। दिस इज सेलेक्शन प्रोसेस और स्टेप्स इन्वॉल्व इनटू सेलेक्शन प्रोसेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज स्टेप्स वन बाय वन। द फर्स्ट स्टेप इन द सेलेक्शन प्रोसेस इज ए प्रिलिमिनरी इंटरव्यू और यू कैन से द पायलट इंटरव्यू। दीज काइंड ऑफ इंटरव्यूज आर बेसिकली कंडक्टेड बाई द HR डिपार्टमेंट जस्ट टू कन्फर्म दैट वॉट एवर इंफॉर्मेशन हैव प्रोवाइडेड बाई द कैंडिडेट विद इन देयर बायोडेटा और रिज्यूम इज राइट और रॉन्ग। जस्ट एक बार जैसे कैंडिडेट्स आए तो उनसे थोड़ा बहुत पूछ लिया कि आपने MBA किया, अच्छा MBA कहाँ से किया और क्या स्ट्रीम थी, मैं यूनिवर्सिटी कौन सी थी। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनसे जो है वो कंफर्म कर सकते हैं उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में या फिर वर्किंग आवर्स के बारे में बात कर सकते हैं कि अपने ऑफिस में इतने आवर्स का काम रहेगा तो आर यू कंफर्टेबल और नॉट। दीज काइंड ऑफ इंटरव्यूज आर जस्ट एक प्राइमरी चेक हो रहा है कि उन्होंने जो रिज्यूम दिया है वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है या सीरियसनेस है या नहीं है। देन वी हैव वन मोर थिंग दैट इज ब्लैंक अप्लीकेशन फॉर्म। समटाइम्स क्या होता है जब कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ HR मैनेजर्स या जो भी कैंडिडेट्स हैं वहाँ रखे हुए हैं
एचआर डिपार्टमेंट ने, वो एक ब्लैंक फॉर्म देते हैं, वो बहुत सिमिलर होता है जो आपका रिज्यूम है उसी के, आपको फिल करने के लिए देते हैं कि आपका नेम क्या है, पेरेंट्स नेम, और 10th 12th एजुकेशन कब किया, जॉब एक्सपीरियंस कितना है, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, मैरिटल स्टेटस वगैरह, लैंग्वेज कौन सा स्पीक है, अंडरस्टैंड है उसके बारे में, एंड राइट बेनिफिट ऑफ दिस काइंड ऑफ ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म इज दैट कि जितने भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने आए हैं उन सब का इंफॉर्मेशन का जो फॉर्मेट है वो सिमिलर हो जाएगा। रिज्यूम में हो सकता है कि अलग अलग कैंडिडेट्स ने इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह मेंशन की हो, बट जब कंपनी ने उनको एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है तो वो सारे लोग जो हैं वो सिमिलर ही उसको फिल करेंगे। तो जो अंदर पैनल में जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा इजी होता है रीड करने में, क्योंकि वो सबका सिमिलर फॉर्म सबमिट होता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। देन वी हैव द सिलेक्शन टेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस में जो सबसे मेन काम है वो ये है कि रिक्रूटमेंट के टाइम में हमको जितने भी एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं, कैंडिडेट्स को हमने बुलाया है, उनमें से हम बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करें। एंड टू सेलेक्ट बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट वी नीड टू होस्ट सम काइंड ऑफ एग्जाम और सम काइंड ऑफ टेस्ट। इसमें मल्टीपल राउंड्स पॉसिबल हैं कि हम कैसे इवेलुएट करते हैं। हम डिफरेंट टेस्ट ले सकते हैं, अलग अलग स्किल्स चेक कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिटन एग्जाम करवा सकते हैं, उसके बाद में एक या दो राउंड का इंटरव्यू हम करवा सकते हैं। इवन रिटन एग्जाम में डिफरेंट स्किल्स को चेक किया जा सकता है, राइटिंग स्किल्स को, लैंग्वेज कमांड को, टेक्निकल नॉलेज को। तो उसके लिए कुछ टेस्ट जो हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट है, और इंटेलिजेंस टेस्ट है, और परफॉर्मेंस और अचीवमेंट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, और शार्पनेस टेस्ट जिसको हम डेक्सटेरिटी टेस्ट भी बोलते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी आजकल होता है बिकॉज मैनी टाइम्स कैंडिडेट्स आर हैविंग सम साइकोलॉजिकल इश्यूज जिसको हम बोलेंगे कि साइको होते हैं, तो मल्टीपल टाइम्स उनके जो है वो टेस्ट कंपनीज कंडक्ट करवाती हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब। इवन इमोशनल टेस्ट एंड ऑनेस्टी टेस्ट, ऐसे टेस्ट भी जो हैं वो पॉपुलर हैं आजकल, एंड मेंटल एबिलिटी एंड राइटिंग एंड अलर्टनेस स्किल्स भी कॉमनली पॉपुलर हैं जो चलते हैं। इस तरह के टेस्ट कंपनीज कंडक्ट करवाती हैं जस्ट टू इंश्योर दैट दे सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर देयर जॉब प्रोफाइल। देन वी हैव द रेफरेंस चेक स्टेप। इन दिस स्टेप नॉर्मली कंपनीज कॉन्टैक्ट टू योर कॉलेज और योर बिजनेस स्कूल जहाँ से आप पास आउट हैं, और योर प्रीवियस एम्प्लॉयर जहाँ आप पहले काम करते थे, और समटाइम्स पुलिस डिपार्टमेंट टू चेक योर क्रिमिनल रिकॉर्ड, एंड समटाइम्स योर एरियाज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव टू जस्ट टू नो योर बिहेवियर। दीज काइंड ऑफ रेफरेंस चेक आर यूज बाय द कंपनीज। इस केस में सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट्स की मार्कशीट्स जो हैं वो स्कूल या कॉलेजेस के पास में भेजी जाती हैं वेरीफाई होने के लिए, मतलब पूछा जाता है उनसे सॉफ्ट कॉपी भेज के
ये कैंडिडेट आपके यहाँ पे था क्या, इसका स्कूल रिकॉर्ड क्या था, इसका कॉलेज रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड क्या था। और समटाइम्स टीचर्स को कॉल करके भी पूछा जा सकता है कि अबाउट सिंसियरिटी ऑफ दैट स्टूडेंट एंड नॉलेज ऑफ दैट स्टूडेंट। देयर आफ्टर योर प्रीवियस बॉस, दैट मीन्स योर प्रीवियस एम्प्लॉयर इज आल्सो मे बी आस्क टू कन्फर्म अबाउट योर वर्किंग परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने हायर सैलरी के लिए जॉब स्विच किया हो, तो उस केस में आपके जो प्रीवियस बॉस हैं वो बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पैकेज इनको इतना नहीं मिल रहा था, इसलिए इन्होंने स्विच कर लिया। बट समटाइम्स अगर आपका उस कंपनी में कोई झगड़ा हुआ है, या आपने कोई वॉयलेंस की है, किसी को थप्पड़ मारा था, या ऐसा कुछ केस है, तो वो नेक्स्ट कंपनी में वो चीज़ जा सकती है। आपके बॉस उनको बता सकते हैं कि इस कारण से इन्होंने ये कंपनी छोड़ी थी। एंड डेफिनेटली पुलिस रिकॉर्ड जो है वो नॉर्मली आजकल सभी कंपनियां चेक करवाती हैं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी पुलिस रिकॉर्ड चेक होता है कि आपका कहीं कॉलेज या स्कूल टाइम में कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं रहा है। देन वन मोर थिंग इज कि कुछ कंपनीज जो हैं आपके एरिया के जो पार्षद हैं या एमपी एमएलए हैं, उनसे लिखवाने के लिए भी बोल सकते हैं कि मोरल करेक्टर एंड ओवरऑल बिहेवियर इज गुड, आपका जो है सोसाइटी में बिहेवियर ठीक है, दैट इज रेफरेंस चेक। देन वी हैव द सेलेक्शन डिसीजन स्टेप, इन विच इन दिस स्टेप मैनेजर्स नीड टू टेक ए डिसीजन विच कैंडिडेट टू इनवाइट फॉर द फाइनल जॉब ऑफर, विच कैंडिडेट टू बी फाइनलाइज। दैट मीन्स कभी किसी की मार्कशीट्स में परसेंटेज अच्छे होते हैं, बट किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू ज़्यादा बेटर जाता है। समटाइम्स लोकल मार्केट नॉलेज वाला कैंडिडेट ज़्यादा सूटेबल होता है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिफरेंट क्राइटेरियाज आपको एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करनी है, एंड आउट ऑफ दैट मेरिट लिस्ट आपको जो है वो कैंडिडेट्स को फाइनल जॉब ऑफर के लिए जो है फिक्स करना है कि इन इन लोगों को हम जो है जॉब ऑफर करेंगे, दैट इज सेलेक्शन डिसीजन। देन वी हैव फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, दैट मीन्स जॉब ऑफर्ड और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ए कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी, बिकॉज एवरी कंपनी वॉन्ट्स दैट दे सेलेक्ट द फिजिकली फिट कैंडिडेट जो मेंटली और फिजिकली फिट हो, तभी वो बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अगर उनको कोई क्रॉनिक इलनेस है, या कोई फैलने वाली बीमारी ऐसी कुछ है, या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो आपके एरिया में अभी तक नहीं आई है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं है, तो कंपनीज कोशिश करती हैं कि इस तरह के जो है मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएं और कैंडिडेट्स जो हैं वो सेलेक्ट जो हों वो फिटनेस वाले हो। इसके लिए दो अप्रोच यूज हो सकती हैं और कंपनीज यूज लेती भी हैं। द फर्स्ट वन इज कैंडिडेट आर आस्क्ड टू रिपोर्ट ए पर्टिकुलर हॉस्पिटल जहां उनका मेडिकल एग्जामिनेशन विदाउट एनी फी डिपॉजिट हो जाता है, उनसे कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हॉस्पिटल से, तो वहाँ जाके कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना पड़ता है, कोई लेटर इशू हो जाता है कि हमारा सिलेक्शन उस कंपनी में हुआ है, तो आप हमारा मेडिकल चेकअप कर लीजिए, तो वो सारे टेस्ट कंडक्ट करवा के
और उनको हॉस्पिटल को बिल जो है वो कंपनी से पे हो जाएगा। सेकेंडली, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट हॉस्पिटल हैं वो आसपास के एरिया में नहीं है, तो आप किसी भी और हॉस्पिटल और लेबोरेटरी से टेस्ट कंडक्ट करवा के और उनका बिल आप कंपनी में सबमिट करके बाद में आप पैसे उसके रीइंबर्स कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ टू डिफरेंट अप्रोचेज आर देयर। यस, जेंडर वेरिफिकेशन टेस्ट इज ओनली अप्लीकेबल इन द डिफेंस सर्विसेज, जहाँ पे अभी तक ट्रांसजेंडर्स को अलाउ नहीं है जॉब के लिए, वहाँ पे इवन डिफेंस सर्विसेज के अंदर ज्वाइनिंग से पहले जेंडर वेरिफिकेशन टेस्ट भी आर्मी और नेवी और करवाते हैं। अदरवाइज अदर कंपनीज के अंदर केवल जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन और साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करवाया जाता है। देन द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड फॉर द कैंडिडेट्स और स्टूडेंट इज ऑफर लेटर। एट दैट मीन्स कंपनीज ऑफर ए पर्टिकुलर जॉब टू द कैंडिडेट एंड कंपनीज लाइक टू मेंशन दैट व्हाट डेजिग्नेशन दे आर ऑफरिंग, व्हाट इज ज्वाइनिंग पीरियड, किस डेट तक वो चाहेंगी कि कंपनी चाहेगी कि कैंडिडेट ज्वाइन कर ले। सेकेंडली, विच लोकेशन कंपनी इज ऑफरिंग टू द कैंडिडेट एंड द सैलरी, कितना पैकेज, कितना मंथली और एनुअल सैलरी कंपनी ऑफर कर रही है। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ ऑफर लेटर एंड ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर लेटर फाइनली आपका कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हो जाएगा। देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर लेटर कंपनीज कैंडिडेट्स को ज्वाइन करने के लिए बुलाती हैं और फिर ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि एक 30-40 पेजेस टू 100 पेजेस की एक ज्वाइनिंग फाइल हो सकती है। दैट इज डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपकी डेजिग्नेशन, आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो, और आपको कितनी हॉलीडेज मिलेंगी, आपका जॉब लोकेशन क्या होगा, आप कितने टाइम तक प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे और जॉब को क्विट करने के क्या रूल्स होंगे, आपके पेंशन के रूल्स क्या होंगे, आपकी छुट्टियां कितनी मिलेगी, लीव्स का जो रिकॉर्ड होगा वो क्या रहेगा, वर्क रूल एंड डाइवर्सिटी बिहेवियर के रूल्स क्या होंगे, वो सारे रूल्स उसमें मेंशन होंगे। दैट इज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो कैंडिडेट को साइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसकी एम्प्लॉय की कंपनी में ज्वाइनिंग हो सकती है। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देन वी हैव कंक्लूडिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ द ओवरऑल सेलेक्शन प्रोसेस। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज डिसेंसी और इट इज ए कर्टसी बिहेवियर दैट वी मस्ट इन्फॉर्म टू द नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट अबाउट कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका जो रिज्यूम था या आपकी जो स्किल्स नॉलेज थी वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर रही है। एंड वी कैन आस्क देम कि फ्यूचर में अगर कोई वैकेंसी होती है तो हम लोग आपको बताएंगे और उनका रिज्यूम भी हम फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। राइट नाउ हम उनको बोल सकते हैं कि अभी आप हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं हुए हैं, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड सेकेंडली, इम्पोर्टेंटली, हमको ये इवेल्युएशन करना पड़ेगा कि हमने जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए वो कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड
काफ़ी सालों तक जो है वो कंपनी के अंदर रिटेन है, दैट मीन्स एम्प्लॉय रिटेंशन इज़ हाई एंड दे आर स्किल्ड वर्कर एंड दे आर कॉम्पिटेंट वर्कर, दैट इज़ बेसिकली सक्सेस ऑफ सेलेक्शन प्रोसेस डिपेंड्स कि हम लोगों ने जिनको सेलेक्ट किया उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, प्लस वो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म तक अच्छा काम करे, दैट इज़ इवेल्युएशन ऑफ सेलेक्शन प्रोग्राम।